हेलो व्यूअर्स, एंटीना एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज की ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नामिका जैन, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एसपी पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन। सो द कोर्स ऑब्जेक्टिव इज टू नो अबाउट ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन। द लर्निंग आउटकम इज to understand tropospheric propagation. In tropospheric propagation, you can learn about space wave propagation, troposcatter propagation, vector propagation, and you can compare different types of propagation, and you will learn about the factors that will affect the wave propagation. Now, what is tropospheric propagation? जैसे कि आपने पिछले दो lectures की slides में देखा है कि जैसे जैसे हम frequency बढ़ाते जाते हैं तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो एटीन्यूएशन है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तब हम अल्टरनेट मेथड में स्काई वेव यूज करते हैं, लेकिन स्काई वेव में भी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड तक तो स्काई वेव प्रोपोगेट करती है, लेकिन एचएफ बैंड के बाद में जैसे ही फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाती है तो जो वेव होती है वो स्पेस में स्कैप कर जाती है, दे विल नॉट रिटर्न टू दी अर्थ। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए हम एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेरिक लेयर को यूज करते हैं। इस ट्रोपोस्फेरिक लेयर में जो जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उनमें तीन मेथड नॉर्मली बहुत पॉपुलर हैं। पहली है स्पेस वेव प्रोपोगेशन, जिसे हम वीएचएफ बैंड पर यूज करते हैं। दूसरा है ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन, जिसे यूएचएफ बैंड पर यूज करते हैं। और तीसरा है डक्ट प्रोपोगेशन, इसे वीएचएफ बैंड, यूएचएफ बैंड और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए यूज किया जाता है। Now, what is space wave propagation? Space wave propagation को line of sight propagation भी बोलते हैं और इसको tropospheric propagation भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो propagation होता है ये atmosphere की tropospheric layer में से होता है, इसलिए इसको tropospheric propagation भी कहते हैं। Line of sight propagation का मतलब होता है कि जो antenna है, transmitting antenna और receiving antenna, they must be in line of sight, मतलब ये एक दूसरे को दिखने चाहिए, तब यहाँ पर जो प्रोपोगेशन होगा उसको हम लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन बोलेंगे। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन में चूंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसलिए वेवलेंथ कम होती है, तो ये जो वेव्स होती हैं ये ना तो स्काई वेव के थ्रू प्रोपोगेट हो पाती हैं ना ग्राउंड वेव के थ्रू प्रोपोगेट हो पाती हैं, इसलिए हमको इन्हें स्पेस वेव के थ्रू प्रोपोगेट करना पड़ता है। जब स्पेस वेव प्रोपोगेशन होता है तो जो सिग्नल्स होते हैं दे विल सेंड इन अ स्ट्रेट लाइन From the transmitter to the receiver, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो transmitting antenna है यहाँ से signal transmit हो रहा है और receiving antenna पर ये receive हो रहा है। तो यहाँ पर जो receiving antenna है, receiving antenna पे हमको दो signal मिलेंगे, एक direct signal जो direct transmitting antenna से transmit हो रहा है और दूसरा signal जो ground से reflect होकर आ रहा है। तो receiving antenna पे हमको दो type के signal मिलेंगे, पहला direct wave और दूसरी होगी reflected wave। यहाँ पर आप देखिएगा कि जब भी हमारे पास में जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है और रिसीविंग एंटेना है इनके बीच में नॉर्मली डिस्टेंस कम होती है, और ये जो डिस्टेंस होती है नॉर्मली यदि इनके बीच में ये जो ट्रांसमिशन पाथ है, ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग एंटेना के बीच का जो ट्रांसमिशन पाथ है, ये किसी भी ऑब्स्टेकल, अगर इसके पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो ये उससे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, मतलब वहां पर डिफ्रेक्शन या इंटरफेरेंस का फिनोमेना ऑकर होगा। नॉर्मली जो स्पेस वेव प्रोपोगेशन है इसको हम VHF और UHF बैंड पर यूज करते हैं। जो रेडियो स्पेस सॉरी स्पेस वेव जो प्रोपोगेशन होता है इसमें नॉर्मली जो हमारा सिग्नल जो होंगे ट्रांसमिट होंगे वो आप ये देखेगा कि लाइन ऑफ साइट अगर आप देखेंगे कि मतलब जैसे विजुअल ओरिजिन जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को देखने के लिए, मतलब वहां तक की डिस्टेंस जहां तक आप नेकेड आई से देख सकते हैं। तो जैसे आप ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है यदि आप यहाँ पर हैं तो नॉर्मली आप इसको यहाँ तक, ये जो आपको विजुअल होराइजन की लाइन दिख रही है यहीं तक आप नॉर्मली देख सकते हैं, लेकिन जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ के कारण ये जो हमारे पास में सिग्नल है ये सिग्नल हमको इस पर्टिकुलर विजुअल होराइजन से थोड़ा आगे भी देखने को मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं रेडियो होराइजन।
तो हम मतलब जब स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं तब हम विजुअल ओराइजन तक ही नहीं हमारी डिस्टेंस लिमिटेड रहेगी, मतलब हम सिर्फ इतने ही डिस्टेंस तक अपने सिग्नल को प्रोपोगेट नहीं कर सकते, बल्कि हम ये जो हमारी रेंज होगी कम्युनिकेशन की, ये रेंज हमारी रेडियो ओराइजन तक बढ़ जाएगी। तो जो रेडियो होराइजन होता है नॉर्मली ये 4/3 होता है ऑप्टिकल होराइजन का, और अगर यदि आप इसको देखेंगे तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू 4√HT प्लस 4√HR, जहां पर जो HT है ये HT डिस्टेंस हाइट है एंटेना की, ट्रांसमिटिंग एंटेना की, और रिसीविंग एंटेना की हाइट जो HR है। इस तरह से जो जो रेडियो होराइजन है, रेडियो होराइजन के हिसाब से जो हमारी डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन होती है, ये जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर यदि आप रेडियस ऑफ द अर्थ को कंसीडर करते हैं, तो रेडियस ऑफ अर्थ अगर आपके पास में आर है तो रेडियस ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में एंटेना की हाइट HT है, रिसीविंग एंटेना की हाइट HR है, तब रिसीविंग एंटेना और ट्रांसमिटिंग एंटेना से जो सिग्नल ट्रांसमिट होंगे वो HT जो मतलब HT के कारण जो ट्रांसमिटिंग एंटेना कारण जो डिस्टेंस आपकी कवर हो रही है वो है DT, और रिसीविंग एंटेना के कारण जो डिस्टेंस कवर हो रही है DR। मतलब यदि आपको सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजना है तो आपका जो रिसीवर होना चाहिए इट शुड बी DM डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दी HT। तो जो आपकी HT है दिस इज दी एंटेना हाइट, ट्रांसमिटिंग एंटेना हाइट है, और ये आपकी जो HR है ये रिसीविंग एंटेना हाइट है। तो जो आपके पास में जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है और रिसीविंग एंटेना है, यहाँ आप देख सकते हैं दे आर इन लाइन ऑफ साइट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द एंटेनास है दिस इज इक्वल्स टू DM इज इक्वल्स टू 2√RHT √2RHT प्लस √2RHR। यहाँ जो स्पेस वेव प्रोपोगेशन है ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का प्रोपोगेशन है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है कि ये जो स्पेस वेव है ये दिस इज लिमिटेड बाय द कर्वेचर ऑफ अर्थ, क्योंकि अगर आप चाहें कि आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, इट इज लिमिटेड बाय द कर्वेचर ऑफ अर्थ। दूसरा, जो सिग्नल होगा ये लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस तक ही ट्रेवल करेगा। यदि आपके ट्रांसमिटिंग एंटेना रिसीविंग एंटेना लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो वहां आप अपने सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये होता है कि जो आपका ट्रांसमिशन पाथ है उस ट्रांसमिशन पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। यदि कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उसके कारण जो सिग्नल होगा वो डिफ्रेक्ट होगा, और उसके कारण सिग्नल की जो रिसीविंग सिग्नल की जो क्वालिटी होगी वो अफेक्टेड होगी। यदि हमको इसमें जो चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि यदि हम ट्रांसमिशन डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल डिस्टेंस सिग्नल जो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच की डिस्टेंस अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमको एंटेना की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, दोनों ट्रांसमिटिंग एंटेना की भी और रिसीविंग एंटेना की, तब कहीं जाकर हम सिग्नल की जो रेंज है या जो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। इसका एक सिंपल सा आप एग्जांपल है कि जब हम नॉर्मली टीवी सिग्नल रिसेप्शन में स्पेस वेव प्रोपोगेशन को यूज करते हैं तो डिफ्रेक्शन के कारण जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल में हमें शेडो जोन और डिफ्रेक्शन के कारण प्रॉब्लम्स आती है, जिसके कारण होस्टिंग भी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन की, नॉर्मली जो कम्युनिकेशन सिस्टम है अधिकतर कम्युनिकेशन सिस्टम है हम स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं, तो जो टेलीविजन कम्युनिकेशन है उसमें हम स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं जो कि 80-200 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी हम स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज करेंगे, रडार कम्युनिकेशन में भी स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज होता है, माइक्रोवेव लिंकिंग में या इंफ्रारेड और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए भी हम स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं। Now next is the troposcatter propagation। ये जो troposcatter propagation है इसको हम spheric scatter propagation भी बोलते हैं, troposcatter propagation भी बोलते हैं और forward troposcatter propagation भी बोलते हैं। इस वाले जो ये आपका जो रेडियो सिग्नल प्रपोगेशन का फॉर्म है ये इसमें हम स्कैटर्ड जो सिग्नल है उसको रिसीव करते हैं, तो जो हमारा ट्रांसमीटर है और रिसीवर है इसके बीच में डायरेक्ट आपको कोई लिंक नहीं दिखेगी, लेकिन हम यहाँ पर आप देखेगा कि जो सिग्नल है वो यहाँ पर जा रहा है एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से ही ये वापस आ रहा है।
तो इसमें जो आपका ट्रांसमिटिंग जो ट्रांसमिटिंग डिश है या जो रिसीविंग डिश है, इसका जो अलाइनमेंट होता है ये काफी क्रिटिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सिग्नल है उसको इंटरसेप्ट करना है. तो जो हमारे अनरीचेबल जो इनएक्सेसिबल टेरेंस है या जो अनरीचेबल जगह है, वहां पर हमें जब सिग्नल को ट्रांसमिट करना पड़ता है तब हम ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन को यूज करते हैं. तो ये जो ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन है नॉर्मली मिलिट्री यूजर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है. इसमें जो ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटेना है. इस ट्रांसमिटिंग एंटेना से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे और ये हाई पावर सिग्नल होगा. इस हाई पावर सिग्नल को हम ट्रोपोस्फियर में भेजते हैं. ये जो एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर की इस लेयर में यहाँ पर हमने इस सिग्नल को यहाँ पर इसको सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं. ये जो सिग्नल होता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया से ये स्कैटर होगा, और ये जो स्कैटर्ड पोर्शन है, इस स्कैटर्ड पोर्शन के सिग्नल को हम यहाँ पर जो रिसीवर है उस रिसीवर से रिसीव कर लेंगे. तो जो सिग्नल है एक्चुअली वो यहाँ पर जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर से स्कैटर होता है. तो यहाँ ट्रांसमीटर सिग्नल में आपको जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, ये ट्रांसमिटेड सिग्नल ट्रोपोस्फियर में आपने इसको लॉन्च किया है. यहाँ पर ये जो है, यहाँ जो आपको एरिया दिख रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में जो एयर है उस एयर के कारण ये सिग्नल स्कैटर होगा. ये सारे डायरेक्शन में स्कैटर होगा, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर नहीं होगा, यहाँ पर बैक साइड में भी स्कैटर होगा. जो अपवर्ड डायरेक्शन है वहां भी स्कैटरिंग होगी, जो लोअर पोर्शन है वहां भी स्कैटरिंग होगी. लेकिन जो हमारा एंटीना है, रिसीविंग एंटेना जो है, रिसीविंग एंटेना को हम इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं कि ये जो स्कैटर्ड पोर्शन है सिग्नल का, इस स्कैटर्ड सिग्नल से ये एनर्जी को इंटरसेप्ट करके रिसीव कर लेता है. तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जो सिग्नल है ये यहाँ पर ओवर द होराइजन यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है. यहाँ पर डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की. अब ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जिसमें ये ट्रोपोस्कैटर फिनोमेना होता है, ये आपकी लोअर मोस्ट पोर्शन होता है एटमॉस्फेयर का. और इस पर्टिकुलर लेयर में नॉर्मली सारे टाइप के वेदर्स आते हैं, और जो वेदर होते हैं और एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस होते हैं उनके कारण जो ट्रोपोस्कैटर सिग्नल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. तो जो ट्रोपोस्कैटर है एक्चुअली स्कैटरिंग जो हो रही है, उस स्कैटरिंग के लिए नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस है और जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उस पर्टिकुलर एरिया का, वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं. इनके कारण यहाँ पर स्कैटरिंग होगी सिग्नल की. अब इसमें एक और चीज भी होती है कि जो आपके पास में ये जो एरिया होता है ट्रोपोस्फियर का, इस पर्टिकुलर एरिया में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो डिफरेंट होता है, और इस डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण ही यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है सिग्नल का, सिग्नल में डिफ्रेक्शन होगा. इनमें एक्चुअली मतलब जो एयर इफेक्ट होते हैं ये क्लियर एयर होगी, इसलिए जो भी और दूसरे इफेक्ट होते हैं वो नॉन नेग्लिजिबल होते हैं. और 2 से 5 किलोमीटर तक की जो हाइट होती है ट्रोपोस्फियर में, ये इस तरीके की होती है कि इस पर्टिकुलर हाइट पर मतलब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, इवन वो पार्टिकल्स भी सिग्नल के रिफ्लेक्शन में कारण बनते हैं. तो जो ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. पहली लिमिटेशन तो ये है, जैसे कि आपने देखा पिछले डायग्राम में, कि जो सिग्नल होता है वो एक्चुअली स्कैटर्ड होता है. तो उस स्कैटर्ड सिग्नल को हमको इंटरसेप्ट करना पड़ता है, उससे हम एनर्जी रिसीव करते हैं. तो जो सिग्नल होता है एक्चुअली हमने मतलब हम एक लार्ज पोर्शन सिग्नल का ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसको बहुत पावर दी हुई है हमने, लेकिन जो स्कैटर हो रहा है, स्कैटर सिग्नल बहुत थोड़े अमाउंट में होता है. तो इसके कारण क्या होता है, जो सिग्नल होता है उसका स्कैटरिंग काफी कम होगा. दूसरा क्या होगा कि चूंकि स्कैटर्ड सिग्नल है इसलिए इसमें पाथ लॉस बहुत ज्यादा होते हैं. पाथ लॉस ज्यादा होगी तो जो स्ट्रेंथ होगी सिग्नल की वो कम हो जाएगी. इसमें जो स्कैटरिंग एंगल होता है, मतलब आपके पास में जो सिग्नल आप इंटरसेप्ट कर रहे हो वो नॉर्मली स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो. तो जो स्कैटरिंग एंगल जो कि नॉर्मली स्मॉल होता है बहुत ज्यादा, तो मतलब इवन 5 डिग्री से भी कम का होता है स्कैटरिंग एंगल. तो 5 डिग्री से कम का अगर स्कैटरिंग होगा, नेचुरली जो सिग्नल होगा, सिग्नल काफी कम वैल्यू का होगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी.
इसमें जो हमें एंटेना यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिटिंग सिग्नल हमने जो भेजा और रिसीवर से जो हमने सिग्नल रिसीव किया, तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक है। तो इनमें जो एंटेनाज होंगे वो पेयर्ड रहते हैं, उनमें जो एंटेनाज होंगे वो हाई पावर एंटेना होंगे, मतलब जो ट्रांसमिटिंग एंटेना होंगे वो हाई पावर एंटेनाज होने चाहिए। उनका गेन बहुत ज्यादा होना चाहिए, अगर उनका गेन कम होगा तो नॉर्मली जो स्कैटरिंग सिग्नल हमको मिलेगी उसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। इसके अलावा जो रिसीवर्स होते हैं वो रिसीवर सेंसिटिव होने चाहिए, अगर रिसीवर सेंसिटिव नहीं होंगे तो वो इतनी लो स्ट्रेंथ के सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्कैटर वॉल्यूम होता है, एक्चुअली जिस पर्टिकुलर एरिया से सिग्नल स्कैटर हो रहा है उस एरिया को स्कैटर वॉल्यूम बोलते हैं। तो जो स्कैटरिंग वॉल्यूम है, मतलब जो जिस पर्टिकुलर एरिया से सिग्नल स्कैटर हो रहा है, वो स्कैटर वॉल्यूम एंटेना के गेन पे डिपेंड करता है। इसलिए भी हमको जो एंटेनाज चाहिए पड़ते हैं वो हाई गेन एंटेना हमको लगते हैं। इसमें एक और चीज होती है कि जो आपके पास में सिग्नल है, सिग्नल एक्चुअली स्कैटर्ड हो रहा है, तो सिग्नल स्कैटर्ड हो रहा है तो चूंकि अगर आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, स्कैटरिंग स्कैटर वॉल्यूम अगर आपने बढ़ा दिया, उसका साइज बढ़ा दिया, तो जब आप साइज बढ़ाते हैं तो साइज बढ़ाने के साथ साथ जो एंटेना है उसका आपने जब साइज बढ़ाया तो जो वेव आपकी वहां से स्कैटर्ड हो रही हैं वो मल्टीपल पाथ्स को फॉलो करती हैं। मल्टीपल पाथ्स को फॉलो करने के कारण जब सिग्नल हमको रिसीविंग एंटेना पर रिसीव होगा तो उसमें ब्लरिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सिग्नल की, क्योंकि अलग अलग जो रे आ रही है उनकी पाथ लेंथ अलग अलग होगी, तो उनकी पाथ लेंथ में डिफरेंस के कारण जो सिग्नल होगा वो ब्लर हो जाएगा। इस ब्लरिंग के कारण हम हाई स्पीड डेटा यहाँ से ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं लेकिन सिग्नल में जो जो क्वालिटी हमको चाहिए वो क्वालिटी हमको रिसीव नहीं हो पाती है। अब ये जो ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन है इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन है, ये प्रोपोगेशन एक रिलायबल फॉर्म है रेडियो कम्युनिकेशन लिंक का, और इसमें जो ट्रोपोस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। दूसरा, ये जो जो रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स होती हैं, इनकी ये इनकी जो रेंज होती है वो करीब करीब 1000 किलोमीटर तक आप इसमें सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो। तो इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे वो होगी 500 मेगाहर्ट्ज की, मतलब नॉर्मली जो यूएचएफ बैंड होता है उसमें हम सिग्नल ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। इस वाली लिंक में चूंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, इसलिए यहाँ जो लिंक होगी वो ओवर दी होराइजन लिंक होती है, और नॉर्मली चूंकि सिक्योर मैथड होती है, ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग एंटेना पेयर्ड है, इसलिए ये जो मेथड है प्रोपोगेशन की, इट इज अ सिक्योर मेथड फॉर प्रोपोगेशन फॉर मिलिट्री यूजर्स। इसमें इवन ऐसा भी होता है कि यदि मान लीजिए अगर वाइबल है, मतलब तो मीडियम लो टू मीडियम डेटा रेट्स के लिए नॉर्मली हम सैटेलाइट के बजाय जो ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन होता है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये काफी चीप होता है। तो रिमोट टेलीमेट्री के लिए इसको आइडियली हम यूज करते हैं। Now what is duct? Actually जो duct होता है, ये duct एक horizontal layer होती है lower atmosphere, lower atmosphere मतलब troposphere में, और इस atmosphere में ये जो layer होती है, actually जो vertical refractive index है, ये जो refractive index gradients हैं, ये इस तरीके से होते हैं कि जो signal है वो signal यहाँ पर इस particular duct से जब propagate करता है तो ये गाइडेड भी होगा, और इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो करते हुए सिग्नल ट्रांसमिट होगा। तो नॉर्मली जैसे आपको जब वीएचएफ सिग्नल हम करते हैं तो नॉर्मली हम लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन करते हैं, तो इसमें यहाँ लाइन ऑफ साइट की बाउंडेशन नहीं है, न ही जो आपका कर्वेचर ऑफ द अर्थ है जिसमें आपकी कंडक्टिविटी, अर्थ की जो कंडक्टिविटी थी उसके कारण जो सिग्नल है हमारा, उस सिग्नल में एटीनेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब डक्ट के थ्रू कोई सिग्नल प्रोपोगेट करता है तो उस सिग्नल में कोई एटीनेशन नहीं होता। तो ये जो डक्ट होते हैं, ये डक्ट एक्चुअली जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में चेंजेस होते हैं उनके कारण यहाँ पर ऑकर होते हैं, और ये नॉर्मली ट्रोपोस्फियर में होते हैं, इसलिए इनको ट्रोपोस्फेरिक डक्ट भी हम बोलते हैं। इन डक्ट में वेव ट्रैप हो जाती है और ग्राउंड सरफेस और जो आपके एटमोस्फियर की अपर लेयर है उसके बीच में ये
डक्ट फॉर्म हो जाता है, तो इसमें जो वेव होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रैवल करती रहती है। अब ये जो डक्ट प्रोपोगेशन होता है, चूंकि यहाँ पर जो वेव ट्रैवल कर रही है वो रिफ्रेक्शन के थ्रू ट्रैवल कर रही है, इसलिए इसको हम सुपर रिफ्रेक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो रिफ्रेक्शन होता है, रिफ्रेक्शन बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसको सुपर रिफ्रेक्शन बोलते हैं। तो नॉर्मली जैसे आप यहाँ पर देखिएगा कि ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटेना है, नॉर्मली यदि ये ट्रांसमिटिंग एंटेना लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन में प्रोपोगेट करता तो ये नॉर्मली ये रेंज होती इसकी सिग्नल की, यहाँ जो रेड पॉइंट है वहीं पर आपको अपना रिसीविंग एंटेना माउंट करना पड़ता और आपका सिग्नल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही ट्रांसमिट होता, दिस इज दी नॉर्मल रेंज। लेकिन जब हम डक्ट के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं तो जो सिग्नल होता है हमारा, वो सिग्नल इस पर्टिकुलर रेंज को मतलब यहाँ एक्चुअल जो रेंज आपको दिख रही है ये काफी ज्यादा रेंज है और यहाँ तक आपका सिग्नल ट्रांसमिट होकर रिसीव हो सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो सिग्नल है यहाँ पर इसने सिर्फ एक बार ये रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर पर पहुंचा है और यहाँ पर जो सिग्नल है ये रिफ्रेक्शन के बाद में यहाँ पर वापस अर्थ सरफेस पर आया और सरफेस से वापस ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से यहाँ ऊपर डक्ट की अपर सरफेस तक गया, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस रिसीवर में आया। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल रिफ्लेक्शन हो, यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू भी सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है। अब ये जो सिग्नल है, एक्चुअली जो सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है या जो उसमें रिफ्रेक्शन हो रहा है उसका कारण क्या है, तो एक्चुअली जो सिग्नल है यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आपकी अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर और कोल्ड एयर के ऊपर जब ये वार्म एयर है, नॉर्मली अर्थ सरफेस हमारी वार्म होती है और यहाँ पर ऊपर की सरफेस भी ये वार्म है, जब इन दो वार्म सरफेस के बीच में कोई कोल्ड एयर आ जाती है तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो इस तरीके से इतना मतलब रैपिड चेंज होता है उसमें, कि जो सिग्नल होता है वो बजाय जैसे ये सिग्नल यहाँ तक पहुंचा तो ये नॉर्मली आयनोस्फीयर में जाने के बजाय ये क्या करेगा, यहीं से रिफ्रेक्ट होकर वापस आ जाएगा और आयनोस्फीयर में जाएगा ही नहीं, आयनोस्फीयर के पहले ही ये वापस रिफ्रेक्ट होकर अर्थ सरफेस पर आ जाएगा और सिग्नल यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू सिग्नल हो जाएगा, सिग्नल ट्रांसमिट होगा। अब ये जो डक्ट होते हैं, एक्चुअली इन डक्ट में नॉर्मली एटीन्यूएशन बहुत कम होता है, अगर ये डक्ट प्रेजेंट नहीं होते तो जो सिग्नल होता है सिग्नल में एटीन्यूएशन बहुत ज्यादा होता, लेकिन जब डक्ट प्रेजेंट होते हैं तो सिग्नल में एटीन्यूएशन काफी कम होता है। ये जो डक्ट होते हैं नॉर्मली जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो लेयर बन गई है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में सिग्नल आपका ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये एक एटमॉस्फेरिक डाइलेक्ट्रिक टाइप की ओपन एंडेड वेव गाइड बन जाती है, जिसमें हमारा ट्रांसमिटिंग एंटेना है और रिसीविंग एंटेना है। ये जो आपके डक्ट होते हैं नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में होंगे, यहाँ वर्टिकल डायमेंशन में डक्ट नहीं फॉर्म होते हैं, मतलब सिग्नल हमारा हॉरिजॉन्टली ट्रांसमिट होगा, तो जो आपका वेव फ्रंट होता है ये वेव फ्रंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में इसमें लिमिट आएगी, वर्टिकल डायमेंशन में इसमें लिमिट नहीं रहती है। ये जो डक्ट होते हैं इनकी जो हाइट होती है नॉर्मली वो 100 मीटर या 300 फीट के करीब होगी, और ये जो डक्ट है इसके थ्रू सिग्नल कितनी डिस्टेंस तक जाएगा, मतलब आपका जो ट्रांसमीटर और रिसीविंग एंटेना है इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, इसकी कोई थ्योरेटिकल लिमिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके सिग्नल है वो करीब करीब 1000 किलोमीटर तक बिना एटेन्यूएशन के सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं। और इसमें जरूरी ये रहता है कि जो आपका जो डक्ट है इसमें जो आपकी वेव है, ये वेव यदि काफी कम एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यदि वो काफी कम है, तो जो VHF और UHF ट्रांसमिशन जो सिर्फ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन तक ही सिर्फ लिमिटेड था, उसको हम डक्ट के थ्रू काफी ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये कुछ कंडीशन है डक्ट प्रोपोगेशन के लिए। पहली कंडीशन है कि जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है वो ट्रांसमिटिंग एंटेना इस पर्टिकुलर रीजन में होना चाहिए, मतलब जो डक्ट है डक्ट के अंदर तक उस ट्रांसमिटिंग एंटेना का अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए, ताकि सिग्नल आपका उस पर्टिकुलर वेव गाइड में ट्रांसमिट हो सके। अब यहाँ पर जो डक्ट है, एक्चुअली आप यहाँ देखिएगा ये आपकी जो एयर है, दिस इज कूल ह्यूमिड एयर, और यहाँ पर आपकी वार्म ड्राई एयर है, तो इनमें क्या होता है जो वार्म ड्राई एयर है और जो कूल ह्यूमिड एयर है इनके
जो डेंसिटी होती है एयर डेंसिटी, वो डेंसिटी में चेंज होता है. डेंसिटी में चेंज होने के कारण डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में चेंज होगा. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में चेंज होने के कारण जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज होता है. तो इनमें जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट होगा, मतलब अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर सिग्नल को इस पर्टिकुलर लेयर में इंसिडेंट करा रहे हैं, तब ये सिग्नल मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद में सिग्नल ट्रांसमिट होगा इस डक्ट के थ्रू. तो दो कंडीशन डक्ट प्रोपोगेशन के लिए जरूरी है. पहला, जो ट्रांसमिटिंग एंटेना है, इट मस्ट बी एक्सटेंडेड अप टू द रीजन ऑफ डक्ट इन द एटमोस्फियर. और दूसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट शुड बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल. अब जो डक्ट है, इन डक्ट का डक्ट फॉर्म होने के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी कंडीशन है, वो है टेम्परेचर इन्वर्जन की. मतलब डक्ट तभी फॉर्म होगी जब वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन होगा. अगर टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा तो डक्ट फॉर्म नहीं होंगे. तो जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली जो आपका अर्थ सरफेस होती है, अगर आप स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, मतलब ये आपकी अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो नॉर्मली क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है नॉर्मल कंडीशन में. लेकिन यदि मान लीजिए कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी, कुछ इस तरह की वेदर कंडीशन बनी जिसके कारण ये जो टेम्परेचर है वो बजाय डिक्रीज होने के अगर इंक्रीज होने लगा, तो इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो हायर अल्टीट्यूड है उन पर टेम्परेचर में कमी आनी चाहिए, लेकिन अगर वो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है. तो ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, इसमें कारण क्या क्या होंगे. पहला कारण है यदि हाई प्रेशर का कोई एरिया वहां पर प्रेजेंट है, मतलब जैसे साइक्लोन वगैरह एंटी साइक्लोन है तो वहां पर हाई प्रेशर वाला एरिया है, तो हाई प्रेशर एरिया के कारण वहां पर ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है. दूसरा है कि पैसेज ऑफ अ कोल्ड फ्रंट. यदि मान लीजिए आपके पास में जो ठंडी हवा है और वो जो गर्म हवा है, अगर वो वहां से पास हो रही है एयर मूवमेंट के कारण, तो उसके कारण भी वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है. तीसरा है कि अगर आपके पास में जो एयर है, एयर मूवमेंट अगर हो रही है और उसमें जो एयर है हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की जो एयर है, यदि वो लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की जो एयर है उसके ऊपर से गुजरती है, तब भी वहां पर डक्ट फॉर्म, तो तब भी वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन होगा. अब ये टेम्परेचर इन्वर्जन है, इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा आप, अगर मान लीजिए ये आपकी अर्थ सरफेस है, नॉर्मली ये वार्म है, और अगर यहाँ पर ऊपर वाली जो सरफेस है वो भी वार्म है, अगर इन दोनों सरफेस के बीच में कोई कूल एयर की लेयर आ जाती है और अगर ये ट्रैप हो जाती है कूल एयर की लेयर, तो यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और इसी को हम डक्ट बोलते हैं. मतलब हमारे पास में जो अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के ऊपर कोई कूल एयर आई और कूल एयर के ऊपर वार्म एयर है, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो अर्थ सरफेस है इसके कारण यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर जो वार्म एयर उसके कारण भी टेम्परेचर ज्यादा है, बीच में यहाँ पर ठंड, मतलब ये जो आपकी एयर है ये कूल है, मतलब यहाँ पर इसका टेम्परेचर कम है. तो जब दो वार्म एयर के बीच में कोई कूल एयर आपकी ट्रैप हो गई है, तब हमको डक्ट मिलेगा या टेम्परेचर इन्वर्जन मिलेगा. अब ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है उसके कारण क्या होता है, नॉर्मली जो डक्ट होते हैं, डक्ट में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है रिफ्रेक्शन के कारण. तो जो रिफ्रेक्शन हो रहा है, रिफ्रेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है उसमें तीन मेन जो पैरामीटर हैं वो हैं उसके लिए डिपेंडेंट. पहला है पैरामीटर टेम्परेचर. यदि टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा. दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तब टेम्परेचर इन्वर्जन हमको मिलेगा. तीसरा है वाटर वेपर प्रेशर के कारण भी हमको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में चेंज मिलता है. तो एक्चुअली ये तीनों पैरामीटर हैं, इन तीनों पैरामीटर्स के कारण हमको टेम्परेचर इन्वर्जन मिलता है और टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा. तो नॉर्मली आप देखिएगा ये आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है, तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पर हाइट, आपका जो हाइट है इसके कारण, हाइट के साथ साथ इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में ये हाइट के साथ साथ बढ़ रहा है. लेकिन जब डक्ट फॉर्म होता है तो डक्ट एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सरफेस डक्ट और दूसरा होता है एलिवेटेड डक्ट. सरफेस डक्ट मतलब जिसमें अर्थ सरफेस एक लेयर है
और जो अपर एटमोसफियर है वो दूसरी लेयर है, और बीच में एक मतलब अलग टेम्परेचर की लेयर आ गई है, जैसे दो कूल लेयर के बीच में एक वार्म लेयर, या दो वार्म लेयर के बीच में एक कूल लेयर। तो ये सरफेस डक्ट है, इसमें अर्थ सरफेस के ऊपर ये डक्ट बनता है। 30 मीटर ऑफ इट करीब 30 मीटर करीब इसकी हाइट होती है अर्थ सरफेस से, और इसके बीच में ये डक्ट फॉर्म होता है। दूसरा होता है एलिवेटेड डक्ट। एलिवेटेड डक्ट में क्या होता है कि ये जो आपके पास में अर्थ सरफेस है, जैसे आपके पास में सी है, तो सी में जो आपका पानी है उस पानी के ऊपर भी डक्ट फॉर्म होता है, लेकिन वो थोड़ी हाइट पर होता है। इसको बोलते हैं एलिवेटेड डक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंची जगह पर है, मतलब एक्चुअली सरफेस में, इसमें सरफेस बाउंड्री नहीं है, इसके सरफेस के ऊपर एक लेयर है और उस लेयर के ऊपर एक लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है, तो इस तरह से ये एलिवेटेड डक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इनमें आप देखेगा कि यहाँ जो स्टैंडर्ड एटमोसफियर है, इसमें आपको लीनियर और ग्रेजुअल चेंज मिलेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, जबकि ये सरफेस डक्ट है, यहाँ पर आपको एक रैपिड रिडक्शन मिलेगा, मतलब यहाँ जो चेंज हो रहा है ये ग्रेजुअल नहीं है, ना तो लीनियर है ना ग्रेजुअली, ये सडन चेंज है। यहाँ पर भी जो आपको चेंज दिख रहा है ये भी सडन चेंज है, दिस इज नॉट लीनियर, नीदर लीनियर नॉट ग्रेजुअल। इस चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर जो सडन चेंज होता है, इसके कारण जो आपकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिनकी वेवलेंथ काफी कम होती है, उन वेवलेंथ्स पे ये सिग्नल जो होता है वो रिफ्रेक्ट होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर नॉर्मली जो नॉर्मल वेदर होता है उसमें नॉर्मली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो चेंज होता है वो लीनियर होता है और ग्रेजुअल होता है, और इसमें जो चेंज होता है, मतलब ये फॉल्स होता है, मतलब ये कम होता है, वो होता है 400 N यूनिट्स पर किलोमीटर के हिसाब से इसमें कमी आती है, जबकि जो डक्ट होता है, इसमें डक्ट में जो चेंज होगा ये होगा 157 N यूनिट्स पर किलोमीटर। तो इस हिसाब से ये चेंज हो रहा है, तो आप ये देखिएगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ 400 यूनिट्स है और ये 157 यूनिट्स है। ये चेंज एक्चुअली वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये एक यूनिफॉर्म आप इसे नहीं कह सकते कि हाँ इतना ही होगा, मगर इस पर्टिकुलर रेंज में ही सिग्नल में ट्रांसमिशन होता है। अब ये जो एन यूनिट्स होता है, ये एन यूनिट्स एक्चुअली कहाँ से आया, तो ये जो एन होता है एक्चुअली जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है नॉर्मली, अगर आप अर्थ सरफेस पर देखेंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स करीब करीब होता है 1.00003, और जो आपके पास में अगर आप थोड़ा और हाइट पर पढ़ेंगे तो 1.00004। अब ये जो चेंज है ये काफी कम चेंज है, लेकिन इस पर्टिकुलर कम चेंज के कारण भी जो सिग्नल होता है सिग्नल में बहुत अंतर पड़ता है। तो नॉर्मली हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जब निकालते हैं तो ये जो यूनिट है इसको एक मतलब मैनेजेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन यूनिट्स को यूज करते हैं। तो जो हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं, म्यू माइनस 1 कर देंगे, और उसको फिर मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आप इसको क्या करेंगे, 10^6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो नॉर्मली जो यूनिट आती है उसको हम एन यूनिट बोलते हैं। तो एक ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बस अकेला, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो सिग्नल है उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डक्ट हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो डक्ट एक्चुअली नॉर्मली जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज जहां पर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर होंगी उनमें, वहां पर हमको डक्ट मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जो आपकी एयर है, जो एयर है एक्चुअली वो एयर मूव कर रही है, और कूल एयर के मूव करने के कारण वहां पर डक्ट फॉर्म हो जाते हैं। दूसरा, ये जो होते हैं डक्ट ये कब फॉर्म होंगे, तो ये होते हैं शॉर्टली आफ्टर सनसेट, क्योंकि जो ग्राउंड होता है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा बजाय अपर लेयर के, मतलब जो आपकी ऊपर की जो हवा है वो कम जल्दी मतलब उसको उसको देर लगेगी ठंडा होने में, जबकि जो आपका ग्राउंड होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके जब आप ऐसे किसी एरिया में है, मतलब जैसे आप सुबह सुबह हैं, तो सुबह 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 का टाइम होता है, उस टाइम पर क्या होता है, जो आपका राइजिंग सन है वो अपर लेयर को पहले वार्म कर देता है बजाय नीचे वाले एरिया के, तो वहां पर भी जो एयर है वो ऊपर वाली लेयर जल्दी गर्म हो जाती है बजाय नीचे वाली एयर के। फिर जो आपका सनसेट के बाद का टाइम है, तो सनसेट के बाद में एक्चुअली जो ऊपर वाली लेयर है वो ठंडा होना बाद में शुरू होगी, मॉर्निंग का टाइम में वहां पर आपको सिग्नल में ट्रांसमिट, मतलब जो आपके पास में डक्ट है वो आपको अलग टाइम पर मिलेगा। तो जो मतलब ये अलग अलग वेदर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग प्लेसेस पर डक्ट की जो फॉर्मिंग होगी
वो अलग अलग होगी, उसके लिए कंडीशन मतलब जो आपकी सिचुएशन है, सिचुएशन टेम्परेचर इन्वर्जन ही रहेगी, लेकिन उसमें जो चेंज हो रहा है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा। इसके अलावा ये जो डक्ट होते हैं ये जरूरी नहीं है कि अर्थ पर ही बने, मतलब ओवरलैंड पाथ। नॉर्मली जो आपके पास में जो डक्ट होते हैं, जैसे अगर आपके पास में प्लेन ग्राउंड है, तो प्लेन ग्राउंड है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो वहां पर डक्ट प्रोपोगेशन आराम से हो सकता है। जो आपके सी पाथ्स हैं, तो सी पाथ में भी आपको आराम से जो डक्ट है वो डक्ट बनेगा और उसके थ्रू आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो जो आपके ओवरलैंड पाथ हैं, इनमें जो डक्ट हैं वो कितनी देर तक रहेंगे, उनसे सिग्नल कितनी देर तक ट्रांसमिट हो सकता है, तो जो ओवरलैंड पाथ है नॉर्मली ये सनराइज के टाइम पर स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मिड आफ्टरनून में इनमें ये वीक हो जाते हैं, मतलब जो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन है वो वीक हो जाएगी। दूसरा जो वाटर पाथ है, वाटर पाथ मतलब जो आपके सी के ओवर ओशन जो आपके सिग्नल डक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनमें, वो होंगे आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एट मिड आफ्टरनून और वीकेस्ट होंगे एट द सनराइज टाइम। अब जो डक्ट होता है, डक्ट के थ्रू सिग्नल जो प्रोपोगेट हो रहा है, सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है तो उसमें कुछ लॉसेस होंगे, तो लॉसेस में पहला तो लॉस होता है कपलिंग लॉस। एक्चुअली जो डक्ट है वो डक्ट के बीच में आपका जो सिग्नल है, मतलब एंटेना से जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है डक्ट के बीच में, वो डक्ट के बीच में कपलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वहां पर कपलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो सिग्नल हमारा प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो पहला जो आपका लॉस होता है कपलिंग लॉस, वो होता है इसकी ज्योमेट्री के ऊपर कि आपके पास में जो एंटेना है वो एंटेना सिग्नल को किस तरीके से डक्ट पे कपल कर रहा है। दूसरा कि आपके पास में जो मतलब जो पाथ है वो सी ओवर सी पाथ है, वाटर पाथ है या ओवरलैंड पाथ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो डक्ट होता है, डक्ट में प्रोपोगेशन लॉसेस होंगे, तो जो प्रोपोगेशन लॉस होते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। दूसरा उसमें रिफ्रेक्टिविटी ग्रेडियंट किस हिसाब से है, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में जो चेंज आ रहा है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में चेंज किस हिसाब से आ रहा है। फिर जो पाथ है वो पाथ किस तरीके का है, सी पाथ है, लैंड पाथ है या कोस्टल एरिया है, कहाँ पर है, और इसमें टेरेन है जो है, टेरेन में रफनेस कितनी है, उसके ऊपर डक्ट प्रोपोगेशन डिपेंड करेगा। मतलब इसमें जो लॉसेस हैं वो एक्चुअली आपकी कपलिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे, और जो आपका पाथ है, टाइप ऑफ पाथ कितना है और उस पर्टिकुलर पाथ में ग्रेडियंट किस हिसाब से है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किस हिसाब से चेंज हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो डक्ट प्रोपोगेशन है एक्चुअली ये जो डक्ट है एक्चुअली इनका जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस नॉर्मली टेम्परेट जोन में ज्यादा मिलते हैं और इनके थ्रू सिग्नल का ट्रांसमिशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो आपके एरिया आपको देखिए, जैसे मेडिटेरेनियन सी है एंड द पर्शियन गल्फ, इनके बीच में जो डक्ट बनता है उसके कारण सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है और करीब करीब 1600 किलोमीटर तक आप सिग्नल का इसमें ट्रांसमिशन कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि ये काफी कम टाइम के लिए रहते हैं, ये बहुत टाइम तक के लिए डिपेंड रहे, मतलब एग्जिस्ट करेंगे डक्ट, और वहां जब जब ये डक्ट मतलब प्रेजेंट रहेंगे तब आप उनके थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हो। इसके अलावा पहले कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में, ब्राजील और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, बहरेन एंड पाकिस्तान, इसमें जो आपके पास में ट्रोपोस्फेरिक डक्ट जो पानी के ऊपर बनते हैं उनके थ्रू हम सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं। और ये जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है ये 1600 से 1800 किलोमीटर तक सिग्नल हमारे यहाँ पर ट्रांसमिशन ट्रांसमिट होते हैं। और इसमें चूंकि एटेन्यूएशन बहुत कम होता है, सिग्नल की क्वालिटी हमको अच्छी मिलती है, तो बहुत सारी कंट्रीज डक्ट प्रोपोगेशन को ही एज अ प्रोपोगेशन मीडिया मान के चलते हैं। तो ये जो डक्ट प्रोपोगेशन है इसमें आपने देखा कि जो आपके पास में जो वार्म एयर है, और वार्म एयर जब दो कूल एयर के बीच में ट्रैप हो जाती है, या जो कूल एयर है वो दो वार्म एयर के बीच में जब ट्रैप हो जाती है, तो उसके कारण एक डक्ट बनता है और उस डक्ट के थ्रू सिग्नल प्रोपोगेट होता है। चूंकि जो हमारा एरिया है, जो कूल एयर एरिया है उसमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और जो हमारा वार्म एरिया है उसमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, तो जब एक बार वेव उसके अंदर एंटर हो जाती है तो वो उस पर्टिकुलर जब जैसे ही वो बाउंड्री पर जाती है तो वो जो लो मीडियम, लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम है उससे थ्रू रिफ्रेक्ट होकर वापस आ जाती है हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम में, और हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हुए अर्थ सर्फेस तक पहुंचेगी जहां से वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, और इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है।
अब हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, जो कि वेव प्रोपोगेशन मॉड्यूल था। तो वेव प्रोपोगेशन एक्चुअली क्या है कि एक तरीके से तरीका है जिससे रेडियो वेव ट्रांसमिट होती हैं, ट्रैवल करती हैं, प्रोपोगेट होती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो भी एक पैरामीटर होगी, और जो एटमोसफियर है, एटमोसफियर की किस पर्टिकुलर लेयर में से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो भी एक पैरामीटर है। तो अभी तक हमने जो टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन देखे वो देखा हमने ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन और टेप प्रोपोगेशन। इसमें से जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन था उसको हमने VLF बैंड पे यूज किया। नॉर्मली जो आपका ELF बैंड था, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी बैंड, वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड, लो फ्रीक्वेंसी बैंड पर हमने ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज किया था। इसमें जो हमारी वेव है वो कंटूर ऑफ द अर्थ फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है और ट्रांसमीटर से रिसीविंग एंटेना तक पहुंचती है। इसमें प्रॉब्लम दो तरीके की थी। पहला, जो आपकी अर्थ है, अर्थ की जो क्वालिटी है, मतलब ये जो अर्थ है इसको हमने एज अ कंडक्टिंग सरफेस माना था, और कंडक्टिंग सरफेस में चूंकि अर्थ जो है उस सरफेस, उस अर्थ सरफेस की क्वालिटी अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग जगह पर सिग्नल में लॉस अलग अलग होगा, जिसके कारण सिग्नल में एटेन्यूएशन होगा। दूसरा, जो वेव है, जो एटमोसफियर यहाँ पर है, इस एटमोसफियर में चूंकि अलग अलग लेयर है और इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग है, इसलिए यहाँ पर डिफ्रेक्शन होता है, और डिफ्रेक्शन के कारण हमको यहाँ पर एंगल ऑफ टिल्ट की प्रॉब्लम आती है, इसके कारण सिग्नल थोड़ी दूर जाकर जो आपकी ग्राउंड वेव है वो एटीन्यूएट हो जाती है। दूसरा जो आपका प्रोपोगेशन का तरीका था वो था स्काई वेव प्रोपोगेशन। नॉर्मली मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए हमने इसको यूज किया था। इसमें हमारी जो सिग्नल है वो आयनोस्फीयर से जाती है, आयनोस्फीयर से ये रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होकर ये वापस अर्थ पर आती है, जहां पर ये वापस सिंगल होप के थ्रू या मल्टीपल होप के थ्रू रिसीविंग एंटेना तक पहुंचती है। ये जो आपका तरीका है, मतलब जो प्रोपोगेशन का तरीका है, इसमें आयनोस्फीयर मेन रोल में रहता है, और आयनोस्फीयर एक्चुअली सोलर रेडिएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब सोलर रेडिएशन के अकॉर्डिंग इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो चेंज होगी, और उसी के कारण यहाँ पर जो हमको रिसीविंग एंटेना पर सिग्नल मिल रहा है उसमें भी चेंजेस आएंगे। तीसरा जो हमारा प्रोपोगेशन का तरीका था वो था स्पेस वेव प्रोपोगेशन। नॉर्मली मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के जो सिग्नल होते हैं वो तो स्काई वेव के थ्रू प्रोपोगेट हो जाते हैं, लेकिन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के जो सिग्नल होते हैं वो स्काई वेव के थ्रू प्रोपोगेट नहीं होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इस आयनोस्फेरिक लेयर को क्रॉस करके ऊपर स्पेस में चले जाते हैं, तब उन सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज करना पड़ता है। इस प्रोपोगेशन को हम लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन ये होती है कि जो आपके ट्रांसमिटिंग एंटेना है और जो रिसीविंग एंटेना है, ये दोनों दे मस्ट बी लाइन ऑफ साइट, मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना, एक पर्टिकुलर लाइन में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और उनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन जो भी आता है उसके कारण सिग्नल जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, और उसकी जो क्वालिटी है, जो सिग्नल है, सिग्नल की क्वालिटी में चेंज आएगा। इसके बाद होता है ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन। ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन में हमने ट्रोपोस्फियर की जो प्रॉपर्टी थी जिसके कारण सिग्नल स्कैटर होता है, और उसमें जो आपका ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होता है अलग अलग लेयर्स का, और उसके कारण जो सिग्नल होता है वो स्कैटर होता है। उस स्कैटर्ड एनर्जी को हम इंटरसेप्ट करते हैं रिसीविंग एंटेना के थ्रू, और उस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं। नॉर्मली जो इनएक्सेसिबल टेरेन्स है वहां तक सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हम ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन को यूज करते हैं। डक्ट प्रोपोगेशन भी जो है वो ट्रोपोस्फियर में नॉर्मली अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब कि अगर तो जो आपकी कूल लेयर है उनके लेयर के बीच में वार्म लेयर ट्रैप हो जाती है, या वो वार्म एयर के बीच में कूल लेयर ट्रैप हो जाती है, तो उसके कारण टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। और ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ये सरफेस डक्ट के थ्रू भी हो सकता है और ये एलिवेटेड डक्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि जब दो अलग अलग जो एयर है जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, उन अलग अलग टेम्परेचर की जो वेव होती है, उन अलग टेम्परेचर की वेव में डेंसिटी चूंकि अलग अलग होती है, इसलिए उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो चेंज होता है वो चूंकि बहुत सडन चेंज होता है, इसलिए जैसा कि स्काई वेव प्रोपोगेशन में नॉर्मली मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ होता है, वही डक्ट प्रोपोगेशन में माइक्रोवेव के साथ होता है। और जो माइक्रोवेव है, अगर ऐसे सिग्नल को आप किसी डक्ट के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं,
तो वो मल्टीपल रिफ्रेक्शन मतलब वहां पर रिफ्रेक्ट होगा हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेडियंट के कारण, और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर मीलों तक आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है। तो जो डक्ट प्रोपोगेशन होता है इसमें जो सिग्नल होगा वो सिग्नल हमारा माइक्रोवेव सिग्नल नॉर्मली होता है, या जो VHF और UHF बैंड होते हैं इनकी बहुत सारा मतलब एक लार्ज प्रोपोर्शन होता है, इसको आप डक्ट प्रोपोगेशन के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हो। इन सारे ही टाइप के प्रोपोगेशन में नॉर्मली जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिग्नल जो एटमोस्फियर है एटमोस्फियर पर डिपेंड नहीं करता है। दिस ऑल टाइप ऑफ प्रोपोगेशन डिपेंड्स ऑन द एटमोस्फेरिक कंडीशन। अब जो वेव प्रोपोगेशन है इसमें जो ग्राउंड वेव होती है, इस ग्राउंड वेव को फ्रीक्वेंसी होती है अप टू 2 MHz और ये कंटूर ऑफ द अर्थ फॉलो करती है, और इसमें जो सिग्नल होता है नॉर्मली AM रेडियो का जो रिसेप्शन होता है वो ग्राउंड वेव के थ्रू हमको मिलता है। दूसरा है स्काई वेव। स्काई वेव में जो सिग्नल होगा वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस पर आएगा। इसमें जो वेव होती है ये 1000 किलोमीटर सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें जो रेंज होगी फ्रीक्वेंसी रेंज वो होगी 2 से 30 MHz तक की। नॉर्मली जो एमेच्योर रेडियो है मिलिट्री कम्युनिकेशन है इसमें हम स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन में ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना ये आपके दोनों लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। इसमें जो सिग्नल होंगे जो भी 30 MHz के ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स होते हैं नॉर्मली उनको हम इस जो आपका स्पेस वेव है इस स्पेस वेव प्रोपोगेशन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। इसमें जो आपका टीवी ट्रांसमिशन है सेटेलाइट ट्रांसमिशन है या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है इन सब में हम इसका लाइन ऑफ साइट वेव प्रोपोगेशन या स्काई स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज करते हैं। These are the frequently asked question from this particular module. This is the wave propagation module. So you can have these question. You can attempt explain electromagnetic wave characteristic. Write down Snell's law. What is angle of tilt? Describe various ionospheric layers. Write down various factors that affect sky wave propagation. Then compare ground wave, sky wave, and line of sight propagation. Define virtual height, escape distance, critical frequency, padding and maximum usable frequency. Explain duct propagation, what are the conditions required for duct formation, and write down applications of troposcatter propagation. So these are some questions which can be asked from this particular module. And now these are the reference books and websites. You can refer these books or website for further reference. Thank you.